हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज अपन जो RSCIT की 21 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका अपन आंसर की सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक तरीके से अपन कहें कि जो क्वेश्चन आपके आए थे कुछ आपके वीडियोज में से आए थे, कुछ आपके सिलेबस में से बुक में से आए हैं, तो अपन उन्हीं का सॉल्यूशन कर रहे हैं कि जो सटीक आंसर की है वो क्या होगी। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो RSCIT का 21 जनवरी का जो पेपर है, मैंने ये पेपर लिया है। अब सीरीज के अकॉर्डिंग आपका नंबरिंग जो है वो चेंज हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो भी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन वाइज अपने क्वेश्चन है वो मैच कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से आया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप कैसे एक संख्याकित सूची बना सकते हैं। मतलब आपसे पूछ रहा है थोड़ा सा, ये देखो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। नंबर्ड लिस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो नंबर्ड लिस्ट दो तरीके से हो सकती है भाई। एक तो नंबर्ड लिस्ट आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करो भाई, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसे आप लगाना चाहते हो, ठीक है, तो वैसे ही पूछ रहा है। कई में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सभी में अपने को नंबरिंग देना है। तो देखो फर्स्ट क्या दे रखा है, प्रत्येक पंक्ति की शुरुआत में टैब कुंजी दबाकर, अगर आप हर एक लाइन है उसके फर्स्ट में जाके अगर टैब की दबाओगे तो आपके के पास क्या ऑटोमेटिक नंबर सिस्टम आ जाएगा, या फिर होम टैब में बुलेट बटन पे उपयोग करके, ठीक है भाई, होम टैब में जाके बुलेट्स जो आपके दिखा रखी हैं उन पे जाके कर सकते हैं। तो बुलेट्स आपके देखो, बुलेट्स में आपके अलग अलग टाइप के स्टार वगैरह कुछ वैसे टाइप के आती है। फिर दे रखा है पार्ट को चुनकर लेआउट टैब में लाइन नंबरिंग विकल्प का चयन करके, पेज लेआउट में एक आपके लाइन नंबरिंग ऑप्शन आता है जो क्या करता है, हर एक लाइन के सामने आपको नंबरिंग दिखाएगा। जैसे ये वाला दे रखा है तो यहाँ पे आपके हर एक के आगे क्या आएगा, नंबर्स आएंगे, तो उस अकॉर्डिंग करना चाहते हो, या फिर आप होम टैब में पैराग्राफ सेटिंग के तहत नंबरिंग बटन पे क्लिक करके एक क्या है आपके पैराग्राफ में जाओगे, पैराग्राफ में जाके आपके एक नंबरिंग जो बटन है वहां पे जाके क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट लग रहा है वो आपको चूज करना है। तो देखो आपसे पूछा क्या है कि आपको नंबर्ड लिस्ट बनानी है, तो नंबर्ड लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हो भी, एक तो अपने पास है होम में आप जाओगे पैराग्राफ में, वहां पे आपके एक जैसे बुलेट स्टाइल लगाते हैं वैसे ही आपके नंबरिंग वाला ऑप्शन आता है, जो भी आप जिस भी अकॉर्डिंग नंबर लगाना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन इसका राइट जो आंसर होगा वो डी होगा, कि होम टैब में जाके आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ सेटिंग में जाके आप नंबरिंग लगा सकते हो, नंबर लगा सकते हो, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, एक वेब ब्राउजर का उद्देश्य क्या है। वेब ब्राउजर का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या होता है, ईमेल भेजना होता है, ऑनलाइन खेल खेलना होता है, या इंटरनेट पे वेबसाइट ब्राउज करना होता है, या दस्तावेज बनाना होता है। तो देखो किसी भी ब्राउजर का मेन काम तो क्या होता है कि किसी भी इंटरनेट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को ब्राउज कर सकते हैं। तो मेन जो इसका आंसर होगा, ईमेल भी भेज सकते हो लेकिन मेन उद्देश्य आपका ईमेल भेजना नहीं होता है, मेन उद्देश्य आपका होता है किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करना, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, या कौन सी की दबाई जाती है। तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है, या फिर कहें कि एक तरीके से ये आपका एक बोनस अंक देने वाला क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपको नई वर्कशीट डालने के लिए कहा जा रहा है, आपको नई वर्कशीट डालनी है, तो नई वर्कशीट डालने के लिए आपके पास इनमें से कौन सी शॉर्टकट की सही होगी। तो नई वर्कशीट डालने के लिए कंट्रोल प्लस एन भी नहीं हो सकती है, डब्लू भी नहीं होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन भी नहीं होती है, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डब्लू भी नहीं होती है। देखो नई वर्कशीट अगर अपन को डालनी है तो नई वर्कशीट डालने के लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 होती है एक शॉर्टकट की, तो और एक होती है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11,
तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। एल प्लस शिफ्ट प्लस एफ वन भी नहीं है और शिफ्ट प्लस एफ इलेवन भी नहीं है, तो ये आपका थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, मतलब इसमें आपको बोनस अंक मिल सकता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नई ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो एमएस आउटलुक में अगर आपको नई शॉर्टकट की, ये जो ईमेल है वो बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम इसकी शॉर्टकट की होती है, डी इसका ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज में एक रीस्टोर पॉइंट क्या उद्देश्य है? मतलब रीस्टोर ऑप्शन अपन यूज करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है, व्यक्तिगत फाइलों का बैकअप बनाने के लिए, सिस्टम की समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति की में पुनर्वापसी करने के लिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, या नए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग स्थापित करने के लिए। तो यहाँ पे देखो बी जो ऑप्शन है वो इसमें राइट होएगा, जिस भी बच्चे ने कर रखा है ये सही भी कर रखा है कि सिस्टम को अगर अपन क्या करना चाहते हैं, पिछली स्थिति में वापस लाना चाहते हैं तो उसके लिए अपन रिस्टोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर का में बी ऑप्शन सही होगा। अगला है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य होता है? डीएस पॉइजनिंग आपको बताया हुआ है, डीएस पॉइजनिंग क्या करता है कि आपकी जो भी है, तो देखो ऑप्शन दे रखा है, हार्ड ड्राइव पर डेटा को जानबूझकर करना, मतलब हार्ड ड्राइव, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना, या नेटवर्क ट्रैफिक की गोपनीयता के लिए एनक्रिप्ट करना, या इंटरनेट कनेक्शन की गति में सुधार नहीं करना। देखो ये तो तीनों ऑप्शन, ये भी आपका सही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही है कि डीएनएस पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डोमेन नेम सिस्टम होता है उसमें आपकी जो जानकारी होती है उसमें आपका मिक्सअप कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से पॉइजनिंग का मतलब होता है जहर घोलना। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक्चुअल जानकारी है उसकी जगह गलत जानकारी डाल देना। तो यहाँ पे क्या है, डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना, जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ये साइबर सिक्योरिटी वाले से ही आया है, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो देखो फिशिंग के अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर सोल्व करवाए थे प्रैक्टिकल वाले, उनमें भी फिशिंग आया था। फिशिंग का मतलब होता है कि आपकी पर्सनल जानकारी लेना। तो यहाँ पे लक्ष्य पूछा है, तो लक्ष्य से रिलेटेड पूछा है, तो क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, मतलब अनऑथराइज एक्सेस करना, या फिर उपयोगकर्ता के उपकरणों पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करना, तो ये तो नहीं होगा। अगला है, ऑनलाइन सुरक्षा के मामले में जागरूकता फैलाना, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो फिशिंग है, फिशिंग मतलब एक साइबर अटैक है। नेक्स्ट है, व्यक्तियों की संवेदनशील जानकारी को उजागर करने में मिलावट करना, मतलब क्या करता है ये, क्या करता है कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, उनको उजागर करने का काम करता है। तो देखो थोड़ा सा इसमें आपका कंफ्यूज होएगा, तो क्या है कि इसमें फिशिंग का मतलब होता है क्या है कि आपकी, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, इनसे रिलेटेड आपसे जानकारी मांगी जाती है। अब आपकी ये जो जानकारी ली जाती है तो ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है, तो देखो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन डी होगा, बाकी मैन जो आंसर की आएगी उसमें एक बार और मैच कर लेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर सही ही डी होना चाहिए। अगला है, देखो एमओ ओ सी की फुल फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व भी करवाया था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या पूछी है? इसकी फुल फॉर्म पूछी है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये तो देखो सारे इससे अलग है, मॉडर्न ऑनलाइन आउटरीच सर्कुलम, मोबाइल आउटलाइन, ये नहीं है। मैंने बताया था मैसिव ओपन ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है, तो इसका ए ऑप्शन है वो सही होगा, सोल्व भी करवाया था मैंने। अगला है, दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का क्या अर्थ होता है? ये OCR मैंने सोल्व भी करवाया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करे थे, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने जब क्वेश्चन सोल्व करे बताई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। मैंने बताया भी था भी यहाँ तो कहीं पे अगर रीडर ऑप्शन में है तो रीडर कर देना, अगर रीडर नहीं है तो रिकॉग्निशन आएगा, जो आपके असेसमेंट वाले क्वेश्चन सोल्व करवाए थे उसमें बताया था आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में
माना जा सकता है? मतलब आपके कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो ई गवर्नेंस सेवाओं के माध्यम से इसका यूज किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस, कार चलाना, सब्जियां खरीदना, टी शर्ट प्रिंट करना। तो देखो, ई गवर्नेंस जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, तो वो सेवाएं आपकी केवल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना सकते हो, कार आप नहीं सीख सकते हैं, सब्जियां नहीं खरीद सकते, टी शर्ट जो है वो भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ड्राइविंग लाइसेंस बना ई गवर्नेंस सेवाओं की एक सुविधा है। अगला है, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सबको पता होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC जो है टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण है? ये क्वेश्चन मैंने सोल्व भी करवाया था। ये क्या होती है? आपकी क्लाउड स्टोरेज सेवाएं होती है। डी ऑप्शन इसका सही है, ये अपने वीडियो में से ही आया, ये मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है 13, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक B2 से लेके B7 सेल्स में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है। MS Excel 2010 में प्रतिशत निर्धारित करने का सही सूत्र क्या है? तो देखो, आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज निकालनी है। तो B2 से लेके B7 तक की सेल्स के अंदर आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, ऑब्टेंड मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। और उसमें आपको दे रखा है कि अधिकतम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो देखो, अपने को पहले तो क्या करना है, जितने भी अपने सेल्स में मार्क्स आए हैं उनको अपन सम करेंगे। तो यहाँ पे सम हो रहा है B2 से लेके B7 तक, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, अगर अपन को परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना है तो अपन क्या करते हैं, जो भी आपके ऑप्टेंड मार्क्स आए हैं तो ऑप्टेंड मार्क्स तो आपके इस वाले सेल से आ जाएंगे, ठीक है। अब उनमें क्या करने हैं अपन को, जितने मार्क्स आप कितने में से ले रहे हो, 600/100 आपको करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। ये पेपर आपको, एक मिनट, तो देखो इसका सही आंसर ए ही होगा, क्योंकि ये सम है। ये वाला जब आप दोगे तो इसका आंसर आपका गलत आएगा, कुछ अलग परसेंटेज आएगी, ऑप्टेंड आपका इसमें होएगा नहीं। को ऑप्टेंड कोई फॉर्मूला नहीं होता है, केवल सम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका है ये सही होगा। अगला है, यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता की ईमेल का पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, तो आप कहाँ पे भेजते हो, तब आपको ये आपका जो एड्रेस है वो प्राप्तकर्ता तक दिखाई नहीं देता, मतलब आपका नाम नहीं दिखाई देता है। तो देखो इसका आंसर होएगा CBCC। अभी आगे इसका वो भी आएगा, फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो वो आप अपन डिस्कस करेंगे। अगला है DNS, मतलब डोमेन नेम सर्विस। इसमें आपको क्या करना है, खालिस्तान को संबंधित में अनुवाद करता है, मतलब आपकी जो डोमेन नेम सिस्टम होता है उसमें डोमेन नेम को एक IP एड्रेस में अनुवादित किया जाता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा बी। अगला है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है? ई मित्र का ये मैंने क्वेश्चन सोल्व भी करवाया था। बिल पेमेंट कर सकते हो आप, कोई प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो, कोई आप कंप्लेंट फिल करवाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब डी जो ऑप्शन है इसमें सही होगा, सभी काम कर सकते हो। अगला है, नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है? MS Word में पूछा है शायद, नया दस्तावेज तो उसी में होता है। तो अगर आपको क्या करना है, नया विंडो खोलना है या नया दस्तावेज लेना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस N इसकी शॉर्टकट की है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई ज्यादा आपका हेर फेर नहीं है। अगला है, SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? मतलब SSO जो सिंगल साइन ऑन है, मैंने इसके फॉर्म वाला क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था, तो उसके माध्यम से आप क्या कौन सी सेवा ले सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं, वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क ऐप, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी सर्विसेज आप क्या कर सकते हो, SSO के माध्यम से ले सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है, ई कॉमर्स वेबसाइट में कौन सा उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको बताया भी था, ट्विटर है, फेसबुक है, अमेजन है या सभी है? तो देखो, मैंने बताया भी था, ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा।
अमेजन जो है वो आपका क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। मतलब आप अमेजन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, मीशो के माध्यम से, इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो। तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ट्विटर, फेसबुक ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो सी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नियंत्रण जो कंट्रोल समूह है वो कौन कौन सा है, पुनरावलोकन मतलब प्रीव्यू है, एनिमेशन है, टाइमिंग है, ये सभी है। इसका भी आंसर डी होगा। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित है। मतलब जो चार्ट के जो अपन कहें कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो चार्ट का जो डेटा पॉइंट्स है, सीरीज है, ग्रिड लाइंस है, बी जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी बदल सकते हैं और साथ में ये होता है कि निशुल्क है। तो देखो जो एंड्रॉयड होता है वो आपका ओपन सोर्स एक होता है। तो यहाँ पे एप्पल आईओएस और विंडोज आईओएस दोनों ही नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला है विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग होता है। देखो विंडोज 10 में एक स्नैप ऑप्शन होता है असिस्ट, ये क्या करता है विंडोज को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो देखो सीधा सीधा ऑप्शन है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसका राइट होगा। अगला है यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति और कॉलम दोहराना चाहते हैं तो इसका उपयोग क्या कर सकते हैं। तो देखो प्रिंट जो टाइटल होता है, मतलब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था कि आप क्या करना चाहते हो प्रिंटिंग के दौरान, आप जो भी है हेडिंग है रो और कॉलम के वो अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, प्रिंट टाइटल्स का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में प्रस्तुतिकरण के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। ये भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। तो क्या होता है डॉट पीपीटी एक्स क्या होता है पावर पॉइंट का होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला है पावर पॉइंट के क्वेश्चन ज्यादा है। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जा सकता है। कस्टम एनिमेशन कैसे लगाते हैं, तो कैसे लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्ट मेन्यू में कस्टम एनिमेशन चयन कीजिए, रिबन में एनिमेशन टैब पर जाइए और गैलरी से पूर्व निर्धारित एनिमेशन चुनिए। तो देखो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए वाला जो ऑप्शन है इसका सही है, फॉर्मेट पेंटर इसका नहीं होगा, ये गलत है। ऑब्जेक्ट पर जाए फिर एनिमेशन टैब खोलने के लिए एल्ट ये नहीं होगा, ए ऑप्शन ही सही है। फिर है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है कौन सा है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया उसमें पूछा था कि जो रुपे कार्ड है, रुपे है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बताया गया था कि राष्ट्रीय जो अपना भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई उसके द्वारा बनाया गया है। इसको घुमा के पूछ लिया है, मतलब जो रुपे कार्ड है इसका आंसर होगा। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक वैल्यू ढूंढने के लिए किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कराया था आपके प्रैक्टिकल वाले में, उसमें आपको बता के बताया था भी हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए अगर अपन को सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए अपन मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वैसे के वैसे ही आए, घूम के कैसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे घूम के आया, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। अगला है राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है, मतलब ई गवर्नेंस कौन कौन सी मेजर जो है वो कौन कौन सी है। राजमैग है, राजनेट है, राजद्वार है, ये सभी आपकी गवर्नेंस सेवाएं हैं। तो डी इसमें ऑप्शन सही होगा। और अगर सबसे पहली पूछी है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर अलग टाइप का हो सकता है। और अगर आपके मेजर सर्विसेज पूछी है तो ये सभी होगी आपकी मेजर सर्विसेज में। अगला है अभी आया था कि बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी जो ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला है एमएस 10 में एक्सेल 10 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है। कि अगर अपन को क्या करना है एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलना है तो उसके लिए अपन क्या कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो देखो आपको एमएस एक्सेल 2010 की पूछी है तो इसकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन भी होती है, लेकिन ये 2007 की शॉर्टकट की है।
कहीं ये भी सही कर देते हैं, 2010 की पूछी है तो आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ होगी, इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला है एमएस एक्सेल में 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या काम करता है। वी लुकअप फंक्शन है वो क्या काम करता है, एक रेंज के पहले स्तंभ में एक मूल्य की खोज करता है और उसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ से संबंधित मूल्य को लौटाता है, या कक्षा की रेंज का योग करता है, एक रेंज में एक विशिष्ट स्थिति को पूरा करने वाली सेलों की संख्या गणना करता है, सेलों के एक रेंज के मूल्यों को गुणा करता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है कि ये उसी पंक्ति के क्या करता है, वैल्यूज को रिटर्न करता है, तो ए जो ऑप्शन है इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फ़ॉन्ट बदलने, पैराग्राफ सेटिंग को समायोजित करने का आदेश होते हैं, मतलब कौन से टैब के अंदर आप फ़ॉन्ट, पैराग्राफ आदि आप काम कर सकते हो। तो सबको पता है ये होम टैब के अंदर होगा, तो ए जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है, तो एंटर की को कई बार दबाकर, तो एंटर की को कई बार तो नहीं दबा सकते हैं लेकिन शिफ्ट प्लस एंटर दबा के कर सकते हैं। फिर दे रखा है पेज लेआउट टैब पर जाइए और ब्रेक्स पर क्लिक करिए और फिर पेज चुनिए, कंट्रोल पी ये भी नहीं होगा, इंसर्ट टैब का उपयोग करके और विकल्पों में न्यू पेज का, ये तो नया पेज आ जाएगा। आपको पेज ब्रेक पूछा है तो शिफ्ट प्लस एंटर तो नहीं है लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि पेज लेआउट में जाएंगे और वहाँ पे ब्रेक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपन क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस का क्या उद्देश्य है, तो चयनित पाठ का फॉन्ट स्टाइल बदलना, दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पाठ से बदलना, तो मतलब बी ऑप्शन इसका राइट होगा भाई, कोई भी वाक्य है उसकी खोज करके उनको किसी नए साथ रिप्लेस करना। तो ये 35 जो क्वेश्चन हैं ये आपके क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको वीडियोस में भी सॉल्व करवाए थे, लगभग कई क्वेश्चन उनमें से भी आए हैं, साथ ही कुछ अलग तरीके से भी पूछे गए हैं। मैंने बताया था कि कुछ आपके प्रैक्टिकली पार्ट से पूछे जाएंगे तो प्रैक्टिकली पार्ट में आपके चेंज हो सकते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं कि कैसे भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो राइट हुए हैं, इससे मैच करके एक बार अपने आंसर की मैच कर लो, और कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद।